श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मामले में बृहस्पतिवार को 8 वादों पर सुनवाई। 2 वादों में दोनों पक्षकार की हुई बहस। हिंदू महासभा के प्रार्थना पत्र पर आर्डर को रखा रिजर्व। सभी मुकदमों में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने लगाई 25 मई की तारीख। आइए आपको सुनाते हैं इस संबंध में दिनेश शर्मा ने क्या बताया। श्री कृष्ण मंदिर से शाही ईदगाह को हटाने वाले मुकदमा नंबर 174 में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि पहले 7/11 पर बहस हो और हिंदू पक्ष ने मांग ये थी कि पहले ईदगाह में अमीन सर्वे हो, क्योंकि ईदगाह वाले लोग वहां पर जो प्राचीन साखें उनको नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो माननीय न्यायालय में हिंदू महासभा ने आज नया प्रार्थना पत्र लगाया और प्रार्थना पत्र में मांग की थी कि सेक्शन 28 के तहत जो मुस्लिम पक्ष 7/11 की मांग कर रहा है वो जायज़ नहीं है, वो विधि सम्मत नहीं है। इसलिए माननीय न्यायालय ने हमारी प्रार्थना पत्र पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और सभी मुकदमों में सुनवाई के लिए 25 मई की डेट लगा दी है। ठीक है भैया, संदीप जी।